सुप्रभात बच्चों, मैं पाठ्यपुस्तिका रिमझिम के पाठ एक, जो कि एक कविता है, उसे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कक्कू, जिसके रचनाकार है रमेश चंद्र शाह। नाम है उसका कक्कू, यानी एक बच्चा है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू का मतलब होता है कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन यह बच्चा तो दिन भर रोता है, इसीलिए हम इसे चढ़ाते कहते इसको सक्कू। इसलिए क्योंकि यह दिन भर रोता है, इसीलिए हम इसे सक्कू के नाम से चढ़ाते हैं। नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम उसका क्या है? कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। कोयल वह होती है जिसकी मिश्री जैसी मीठी बोली होती है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, लेकिन यह बच्चा तो भड़क जाता है जब इससे हम करते हैं तनिक, तनिक मतलब जरा सी ठिठोली, ठिठोली मतलब मजाक। तो यह बच्चा तो भड़क जाता है जब इससे हम जरा सी मजाक करते हैं, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको बक्कू, यानी इसीलिए हम कभी कभी इसे बक्कू भी कहते हैं, पर नाम है इसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू जो कोयल होती है वह गाना गाती है। बात बात में जो चढ़ जाए, पर यह बच्चा तो बात बात में चढ़ जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, और यह सदा मुँह फुलाकर रहता है। गाना जिसको जरा ना आए, और इसको ज़रा सा भी गाना गाना नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम जक्कू, यानी ऐसे झगड़ा करने वाले बच्चे को हम जक्कू क्यों ना कहें, जबकि नाम है इसका कक्कू। तो बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी, इसमें आपने एक बच्चे के बारे में पढ़ा है जिसका नाम है कक्कू। नाम, इसके नाम का मतलब है कोई, पर यह बच्चा तो दिन भर रोता रहता है, इसीलिए हम इसे सक्कू नाम से चिढ़ाते हैं, पर नाम इसका है कक्कू। कोयल की तो बहुत मीठी वाणी होती है, पर यह बच्चा तो भड़क जाता है जब हम इससे ज़रा सी हंसी मजाक कर लेते हैं, इसीलिए तो कभी कभी हम इसको भक्कू कहते हैं, पर नाम है इसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू तो गाना गाती है, पर यह तो बात बात में चिढ़ जाता है, सदा मुँह फुलाकर रहता है, इसको ज़रा सा गाना गाना नहीं आता। ऐसे झगड़ालू बच्चे को हम क्या कहते हैं? झक्कू। तो पर नाम है इसका कक्कू। तो बच्चों, आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे अपनी कॉपी में। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।